नमस्कार, लाइव 24 न्यूज साथ है उच्च कोमल। तो आज ना विगतवार समाचार में बात करिए कि भारत भर में सर्वप्रथम वार प्राकृतिक खेती करता खेडूतों द्वारा उत्पादित विविध उत्पादनों ना पोषणक्षम भाव मळे अने सिंगल यूज प्लास्टिक नो वपराश ओछो थाय ते हेतुथी जिला वहीवटी तंत्र द्वारा प्राकृतिक प्लास्टिक कैफे नो शुभारंभ करायो, जेमां गुजरात ना राज्यपाल देवव्रत आचार्य ना वरद हस्ते करवामां आव्यो। तो समग्र भारत में प्लास्टिक नो वपराश बंद थाय तेवा आशय थी जूनागढ़ जिला वहीवटी तंत्र नेजा हेठळ जूनागढ़ आजाद चौक खाते प्राकृतिक प्लास्टिक काफी नो शुभारंभ गुजरात ना राज्यपाल देवव्रत आचार्य ना वरद हस्ते खुल्लो मुकवामां आव्यो हतो, जेमां प्लास्टिक द्वारा कोईपण प्रदूषण फैलाय नहीं तेवा हेतुसर आज आ काफी खुल्लो मुकवामां आव्यो हतो, ज्यां 500 ग्राम प्लास्टिक आपवानी सामे एक ग्लास लींबू सरबत अथवा एक ग्लास वरियाळी सरबत अने एक किलो प्लास्टिक सामे एक प्लेट पौवा अथवा एक प्लेट ढोकळा आपवामां आवशे। अभियान में समग्र विस्तारना लोकोने पण जिल्ला कलेक्टर रजित राज द्वारा जणावायुं हतुं। आज 30 तारीखे गुजरात राज्यपाल द्वारा आ प्राकृतिक प्लास्टिक कैफे नु आज ओपनिंग थी और जूनागढ़ नी आम जनता माटे आज खुल्लू मुकवामां आव्युं छे, जेनी अंदर प्लास्टिक प्राकृतिक आर्ट अमे खोली राख्युं छे। जेनी अंदर अमारो ए उद्देश्य छे कि प्लास्टिक छे ए तमे ज्यां ज्यां फेंको छो ज्यां ज्यां न फेंको अने तमे ए प्लास्टिक लई अमारा हाथ पर आवो ए प्लास्टिक छे, तमारुं भोजन द्वारा अमे कलेक्ट करशुं अने एनी सामे अमे तमने भोजन प्रोवाइड करशुं। और एक सुनाई से ये नियम पूरे देश में लागू होगा, उसी को ध्यान में रखते हुए जूनागढ़ के डीएम और जिला प्रशासन को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है। यहाँ पर जो सिंगल यूज प्लास्टिक इधर उधर डाल देते हैं तो यहाँ एक प्राकृतिक कैफे खोला गया, जितने लोग आएंगे प्लास्टिक को लेकर के उसके बदले में उनको प्राकृतिक आहार दिया जाए। आप सबको ये भी जानकारी है कि पिछले कुछ सालों से प्रदेश सरकार के सहयोग से मैं किसानों में प्राकृतिक खेती का प्रचार कर रहा हूँ, जहर मुक्त कृषि। तो यहाँ पर जो भी प्लास्टिक लेके लोग आएंगे उसके बदले जहर मुक्त प्राकृतिक भोजन उनको प्राप्त होगा और नगर के अन्य लोग भी यहाँ से प्राकृतिक आहार लेना चाहेंगे तो वो भी उन्हें उपलब्ध होगा। इससे प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण का संरक्षण का भी काम होगा और इससे हमारी जो महिलाएं हैं, जो समूह मंडल की महिलाएं, उनको भी एक रोजगार का रास्ता बनेगा। तो ये पहल बहुत सराहनीय है, पूरे देश में इस पहल का सम्मान होगा मुझे विश्वास है। और इस ढंग से हम पर्यावरण को स्वच्छ बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन को सफल कर पाएंगे। रावलिया मधु साथे जगदीश यादव, लाइव 24 न्यूज, जूनागढ़।